हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज वीडियो मैंने अपलोड की, अच्छा अभी कुछ ठीक हो रहा बेटा? अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक चल रहा है। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, अब ठीक आ रहा है तो मैं फिर स्टार्ट करूं। अब ठीक है, तो कई सारी नई चीजें बेटा यहां पर आज हम करने वाले हैं, है ना। जैसे आज हम नेशनल पार्क ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने एनडीए के टेस्ट में से कराया था, रणथंभौर नेशनल पार्क वाला, है ना। तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 2011 के सेंसस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो एलन रूल है, ये तो एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन बाकी जो रूल है, जैसे ग्लॉगर रूल हो गया, जॉर्डन रूल हो गया, या फिर बर्गमैन रूल की हम बात करते हैं, तो बेटा ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो रूल है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ना, जैसे ग्लॉगर रूल हो गया, जॉर्डन रूल हो गया, बर्गमैन रूल हो गया, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज नहीं, या कौन सी वायरल डिजीज है या वायरल डिजीज नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना बेटा। तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एब्रीविएशन और फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिसऑर्डर के क्वेश्चन हम करेंगे, और एनटीए का सेकेंड पेपर जो बेटा था, उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वाइस कमा रही बेटा, ये कैसे है? देखता हूं मैं। अभी देखिए आप, वॉइस ठीक आ रही बेटा? अभी वॉइस ठीक आ रही है। कुछ बच्चे करेंगे वॉइस सही है, कुछ करें ठीक है, कुछ करें क्लियर नहीं है। अभी सही आ रही बेटा वॉइस? चलिए मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ ना अभी सही आ रही बेटा बेटा, वॉइस? ये चलिए वॉइस मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ ना अभी सही आ रही बेटा वॉइस? चलिए मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ ना अभी सही है? एकदम क्लियर तो आ रहे हैं, तुम लोग क्यों ऐसे कह रहे हो बेटा? ठीक है ना अब? अच्छा, अब सही है। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे लाइक करेंगे सेशन को। एंड हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, अपना जोश बनाए रखिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है। मैं आपके साथ में हूं, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर बेटा चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसस 2011। सेंसस का मतलब बेटा जनगणना होता है ना, आप में से ज्यादातर बच्चे जानते भी होंगे जनगणना के बारे में। तो सेंसस 2011, अभी जो सेंसस है 2021 का आएगा, 2021 का, 2021 का सेंसस आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल जो नीट 2020 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके सेंसस 2011 से पूछे जाएंगे। ये हमारे देश की पहली
15वीं जनगणना थी, 15th सेंसस ऑफ इंडिया था। हमारे देश में जो जनसंख्या गणना है या जनगणना है हर 10 साल के बाद की जाती है, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट टोटल मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे पूछूंगा पहले और फिर आप उसका आंसर करेंगे। सेक्स रेशियो पहला आपको बताना है। 2011 सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में सेक्स रेशियो कितना है, लिंग अनुपात जिसे कहते हैं, सेक्स रेशियो लिंग अनुपात कितना है 2011 के अनुसार अगर हम बात करते हैं। बेटा बहुत सारे बच्चे जो 937 बता रहे हैं वो 2001 सेंसस का डेटा है, ठीक। 2011 सेंसस के अनुसार दैट इज, चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। अभी तो मुझे किसी का नहीं लग रहा कि किसी ने भी सही आंसर किया है। 943। अच्छा चलिए मैं ही दिखा देता हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। 2011 की अगर हम बेटा बात करते हैं तो 2011 सेंसस के अनुसार ये देखिए सेक्स रेशियो है 940, आप याद कर सकते हैं ना, 940 फीमेल पर 1000 मेल। बेटा सेक्स रेशियो का रिप्रेजेंटेशन हमेशा इसी तरीके से किया जाता है, नंबर ऑफ फीमेल एज कंपेयर टू 1000 मेल, यानी 1000 मेल के नंबर पे कितना फीमेल का नंबर है, दैट इज नेम्ड एज सेक्स रेशियो। तो 2011 सेंसस के अनुसार जो सेक्स रेशियो इंडिया का है वो 940 फीमेल पर 1000 मेल, और ये कम है, यानी 60 लोग ऐसे होंगे इंडिया में, 60 मेल ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं होनी है, इससे ये भी साबित होता है। और रेशियो हमेशा 1:1 होना चाहिए क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन ये कहता है किसी भी पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का नंबर 1:1 होना चाहिए, लेकिन ये फीमेल फिटिस है, कन्या भ्रूण हत्या की वजह से हमारे देश में रेशियो कम है, तो 60 लोग कुंवारे ही मरने वाले हैं। तो बेटा पढ़ाई कर लो, है ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि आप पढ़ाई कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी शादी भी हो जाए, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट है बेटा ग्रोथ रेट। चलिए बताइएगा इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है। यस चलिए जल्दी से बताइएगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया में। हाँ 17 आप कह सकते हैं कि 17 per 1000 पर ईयर, पूरा आप लिखेंगे ठीक है, 17 per 1000 पर ईयर। हाँ एनसीईआरटी ने वैसे कहा है कि 2% से कम है, तो 1.7 आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं 17.64%, ठीक है 17.64%। इसका मतलब बेटा वही निकलेगा 17 per 1000 पर ईयर, यानी एक साल में 1000 की पॉपुलेशन पर 17 बच्चों का जन्म होता है। मतलब इसको मैंने ऐसे समझाया था जब मैंने क्रैश कोर्स अपलोड किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि 1000 की पॉपुलेशन पर, मान लीजिए एक गांव की पॉपुलेशन इस साल 1000 है, तो अगले साल उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1017 हो जाएगी। इसका मतलब उस पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 17 per 1000 पर ईयर, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.7% या less than 2%। यहां पर जो 17.64% है ये 1000 के रिस्पेक्ट में लिया गया है, जब 1.7 आप कहेंगे तो 100 के रिस्पेक्ट में आप लेंगे, क्लियर। तो पॉपुलेशन में 1000 लिया जाता है इसलिए यहां पर 17.64% आपको दिया गया है। चलिए अब बताइएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। हाँ ये इंडिया के लिए बेटा डेटा है, ये सेंसस 2011 है। पॉपुलेशन डेंसिटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं जानना चाहता हूं, जल्दी से बताएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी। यस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया, क्योंकि इकोलॉजी अभी जल्दी हमने पढ़ा है। अब बताइएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी है, जल्दी से आंसर करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। बहुत सारे बच्चे आंसर करें लेकिन पूरा नंबर लिखेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे 1.7 मिलियन पे लटके हुए हैं, कुछ 1.5 मिलियन पे हैं। बेटा इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें, ये दुनिया की आप बता रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी अनुराग चौधरी ने सही बताई है 382 इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 382 इंडिविजुअल इंडिया में रहते हैं। मान लीजिए ये एक एरिया है
वन स्क्वायर किलोमीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव की लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई 1 किलोमीटर है, तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया। इस एरिया में 382 इंडिविजुअल एवरेज रहते हैं अगर हम अपने देश की बात करते हैं, तो हमारे देश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं पूछ रहा हूं पॉपुलेशन डेंसिटी, और बहुत सारे बच्चे क्या बता रहे हैं? बायोडायवर्सिटी बता रहे हैं। मतलब बेटा बायोडायवर्सिटी अलग होती, हर जगह वही नहीं करना है। सावन का जैसे अंधा होता है, उसको सब हरा हरा नजर आता है, वैसे कुछ लोगों को 1.5 मिलियन नजर आता हर जगह। कुछ भी पॉपुलेशन का नाम ले लिए ना, तो उनको 15 लाख ही नजर आएगा, या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे 1.7 टू 1.8 मिलियन एक और डेटा है, वो आंसर कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग चीज होती है, बायोडायवर्सिटी अलग चीज होती है, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये एनसीईआरटी में चीजें आपको नहीं दी गई, तो ये 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करने होंगे, ठीक है? चलिए फिर बताइए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है हमारे देश में? मोस्ट पॉपुलस स्टेट। हाँ, जैसे मैंने पॉपुलेशन नाम लिया वैसे ही 1.5 मिलियन लिख दिया, 1.7 लिख दिया, 1.8 लिख दिया। हाँ चलिए, यूपी, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे देश में, और सबसे कम चाइना कुछ लोग बता रहे हैं, इतने नालायक हो, कुछ लोग चाइना बता रहे हैं कि चाइना सबसे पॉपुलस स्टेट है। बेटा वो कंट्री है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, तुम देश की बात कर रहे हो, क्या तुम लोग कर रहे हो ये? मैं बात कर रहा हूं कि हमारे देश में कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट, और चाइना लोग आंसर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इंडिया के। अरे यार मेरा भी दिमाग खराब हो गया तुम लोगों के साथ। हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी की, और सबसे कम किसकी है? अब सबसे कम वाला बताइएगा, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, सबसे कम किसकी है? साथ में रहने का असर तो पड़ता है, ये तो दिखाई दे रहा होगा आपको, संगत का असर कितना बढ़िया पड़ता है ना। चलिए बताइए सबसे कम, ये देखो कोई केरला बता रहा है, कोई राजस्थान बता रहा है, सिक्किम, सारे नाम ले लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, गोवा, अच्छा बिहार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लक्षद्वीप, अनुराग चौधरी ने बताया लक्षद्वीप। तो देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, और लीस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं 99% लोगों को ये नहीं आ रहा है, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है, और यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। बेटा प्रदेश, देश में कुछ अंतर समझते हो, चाइना एक अलग देश है, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, कुछ नहीं जानते तुम लोग। चलिए सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? लिटरेसी समझते हो बेटा, साक्षरता, हमारे देश में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? चलिए बताइएगा सबसे ज्यादा साक्षरता हमारे देश में कहाँ? यस केरला में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट बेटा कहां पर है? केरला में 94% लिटरेसी रेट है, 2011 सेंसस का डेटा है ये, ठीक है, 2011 सेंसस का डेटा है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2011 सेंसस का डेटा है। 2001 सेंसस पढ़ेंगे तो उसके डेटा अलग होंगे, लेकिन वो अब नहीं, 11 सेंसस का डेटा याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट कहां है? अच्छा बिहार, हाँ लवली, ठीक है बेटा बिहार, साक्षी, यस, देखिए यहाँ 94% है, और ये आसान है याद करना, यहाँ 64% है, तो बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे कम है कहाँ पर? बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो ये तो हो गए सेंसस के 6 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को याद भी हो गया होगा। मैं किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगा आप सबका, और इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा, क्योंकि जो भी ये स्पेशल सरप्राइज सेशन में मैं करा रहा हूं ना, इसका किसी भी दिन टेस्ट होगा आपका, और उस दिन अगर आपने सही नहीं किया तो ये बहुत गलत होगा फिर। चलो अब रूल की बात करते हैं बेटा, एक रूल तो एनसीईआरटी में आपको दिया गया एलएस रूल, अब कई सारे और रूल हैं, तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आप उनके आंसर करें। मैं स्टेटमेंट बताऊंगा और आपको रूल का नाम बताना है, ठीक है, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा आपको रूल का नाम बताना होगा। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंडिंग,
दिस एडॉप्टेशन इज टू मिनिमाइज हीट लॉस, ये कौन सा रूल है जल्दी से बताइए। चलिए काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, रामू, शमिच्छा, पूजा, दिव्या, रिया, पारुल, सुशील, प्रीति, यस काफी बच्चों ने सही आंसर किया। गौरव, दैट इज एलेंस रूल। एलेन रूल कहता है कि जो मैमल कोल्डर क्लाइमेट में ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसे लिंब हो गया, हाथ पैर जिनको आप कहते हैं, ईयर लोब हो गया है ना, ईयर पिन्ना की बात करें या ईयर लोब की बात करें, ये ईयर लोब कहलाता है, ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एलेंस रूल है। अगला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, वार्म ब्लडेड एनिमल, ध्यान से सुनिएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज, दिस इज कौन सा रूल है जल्दी से बताइएगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉल एक्सट्रीमिटीज, हाँ 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 चलिए बहुत बढ़िया, ग्रॉगर रूल, बर्गमैन रूल, कोई छोड़ना नहीं बेटा। ये जो पॉइंट मैंने बोला है ये फिर से एक बार एलेंस रूल ही है। एलेंस रूल ये फिर से है कि वार्म ब्लडेड एनिमल ऑफ कोल्ड क्लाइमेट है वो शॉर्ट एक्सट्रीमिटी, अभी अभी मैंने समझाया है कि स्मॉल एक्सट्रीमिटी यानी हाथ पैर अगर छोटे हो जाए तो ये एलेंस रूल ही है। लेकिन उसके बाद देखें कैसे आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग ध्यान इस बात पे देते हैं कि अच्छा पहला एलेन रूल था तो अब कुछ रूल चेंज होगा, आप इस बात पे ध्यान, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान ये कि अब कोई नया रूल आने वाला है ना, इसीलिए आपने गलत किया, ये एलेंस रूल है बेटा। वार्म ब्लडेड एनिमल यानी जो होमियोथर्मिक है, बर्ड और मैमल ये तो वार्म ब्लडेड होते हैं बेटा, बर्ड और मैमल ही तो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो बर्ड और मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज शॉर्ट होती हैं, ठीक है। हाँ तो आंख बंद करके नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट फिर बताइएगा, आपकी बार ध्यान दीजिएगा। ईयर लोब ऑफ आर्कटिक फॉक्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ ट्रॉपिकल फॉक्स, दिस इज कौन सा रूल है। आर्कटिक और ट्रॉपिकल दो आपको पॉइंट दिए गए, आर्कटिक फॉक्स की जो ईयर लोब है वो, हाँ देखिए जॉर्डन आ गया, बर्गमैन आ गया, ग्लॉगर आ गया, सारे आ गए, गाउज रूल आ गया, वाह ये एक नया रूल यहां पर और आ गया, गाउज रूल भी लेके आ गए कई लोग। बेटा ये फिर से वही पॉइंट है, दैट इज एलेंस रूल, ये फिर से वही, अभी मैंने बताया था कि ये ईयर लोब है और ईयर लोब क्या करे यहां पर, आर्कटिक फॉक्स, तो आर्कटिक क्या है, आर्कटिक टुंड्रा जहां पर बहुत ज्यादा ठंडियां हैं, और ये क्या है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल रीजन, फॉक्स क्या है मैमल है, अब आर्कटिक फॉक्स में कह रहे हैं कि ईयर लोब छोटे हैं, क्यों छोटे हैं, ताकि हीट का लॉस कम हो, तो ये एलेंस रूल ही है। कैसे हाल चाल है बेटा, पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है आपकी, है ना, ऐसे एग्जाम में पूछा था, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे हुए हैं, है ना। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात है, अगला रूल लेकिन अब ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि तीन बार गलती की है और हालचाल तो तुम लोग के ठीक लग नहीं रहे मुझे, है ना। चलिए अब बताइएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन, बर्ड और मैमल कोल्ड रीजन में बड़ा बॉडी साइज अटेन कर लेते हैं, दैट इज नेम्ड एज, अच्छा भी एलन ही होगा, हाँ अब देखो इसमें भी एलन रूल चल रहा है, अच्छा एलन रूल अगेन, वाह क्या बात है बच्चों, क्या बात है, एलेंस रूल, वाह दिस इज नेम्ड एज बर्गमैन रूल, ये बर्गमैन रूल है बेटा। अब की बार क्या कह रहे हैं कि बर्ड और मैमल का बॉडी साइज बड़ा हो जाता है कोल्ड रीजन में,
कोल्ड रीजन में बर्ड और मैमल के ईयर हाथ पैर छोटे हो जाते लेकिन बॉडी का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, दैट इज बर्गमैन रूल, ठीक है, हाँ बर्गमैन रूल है बेटा, बर्गमैन रूल बॉडी साइज के, बी फॉर बर्गमैन, बी फॉर बॉडी साइज, तो बर्गमैन रूल बॉडी साइज के लिए है और एलन रूल किसके लिए है, ईयर लोब के लिए, एक्सट्रीमिटीज के लिए, लिंब के लिए काम करता है। तो बर्गमैन रूल कहता है कि कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाने वाले जो बर्ड और मैमल उनका बॉडी साइज बड़ा होता है। एलन रूल कहता है कि कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाने वाले बर्ड और मैमल के ईयर लोब और एक्सट्रीमिटीज छोटे होते हैं। क्या हाल चाल है बच्चों, अब कुछ याद रहेगा क्या, अब ये बात याद रहेगी? हाँ हाँ, मोबाइल मेरा ठीक है लेकिन टी शर्ट भी ठीक है, थैंक यू अरबाज। तुम लोग टी शर्ट के पीछे लेना है क्या ना लाइकों? चलो अगला पॉइंट बताओ तुम लोग। वार्म ब्लडेड एनिमल, ध्यान से सुनिएगा, वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब फिर से बर्ड और मैमल की बात हो रही है। बर्ड एंड मैमल इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया आर मोर डार्कर इन कलर। जैसे अफ्रीका में लोगों को आप देखिए, है ना, अफ्रीका में जो लोग होते हैं वो ज्यादा डार्क होते हैं, कौन सा रूल है? क्या किया बेटा आपने? यस दैट इज नेम्ड एज ग्लॉगर्स रूल, मोहम्मद इमरान। यस बेटा दैट इज ग्लॉगर्स रूल, ये ग्लॉगर रूल है। ग्लॉगर रूल कहता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब बर्ड और मैमल की मेनली बात हो रही, जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं जैसे ट्रॉपिकल जोन में, उनका कलर डार्क हो जाता है। जैसे अफ्रीका की बात करिए तो अफ्रीका में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो ब्लैक बॉडी बन जाते हैं, है ना। जहां पर जितनी ज्यादा ठंडियां होती है मेलानिन उतना ही कम बॉडी में डेवलप होता है। आप खुद ही देखिए, आप इस समय घर पे रहते होंगे और अगर आप धूप में टहलना शुरू करिए एकदम ब्लैक बॉडी आप बन जाएंगे। चार दिन आप धूप में टहलिए, चार दिन में एकदम ब्लैक बॉडी आप बन जाएंगे। अगर आप ठंडी जगहों पे चले जाएंगे तो वहां पर आपका कलर थोड़ा सा फेयर हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे। धूप में ज्यादा रहेंगे तो इसकी वजह से कलर डार्क हो जाएगा। ये है ग्लॉगर रूल। अगला पॉइंट बताइए, जो मछलियां ठंडे पानी में पाई जाती हैं उनमें वर्टिब्री का नंबर, कशेरुकी का नंबर ज्यादा होता है गर्म पानी में पाए जाने वाली मछलियों की तुलना में। गर्म पानी में पाई जाने वाली मछलियों की तुलना में ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछलियों में वर्टिब्री का नंबर ज्यादा होता है। यस रूपेश रागिनी, दैट इज नेम्ड एज जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन रूल कहता है कि जो मछलियां ठंडे पानी में पाई जाती हैं उनमें वर्टिब्री का नंबर ज्यादा होता है गर्म पानी में पाई जाने वाली मछलियों की तुलना में। तो चार रूल बेटा मैंने आज आपको बताए हैं, एलन रूल, बर्गमैन रूल, ग्लॉगर रूल, जॉर्डन रूल, जिनमें से एनसीईआरटी में एक रूल आपको दिया गया एलन रूल। बाकी जो रूल है ये आपके एनसीईआरटी के बाहर के, लेकिन जरूरी है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। अब मुझे बताइए ये सब रूल किससे रिलेटेड है, ये किस टॉपिक से रिलेटेड, बस आपको ये बताना है। ये सब रूल कहां पे आप पढ़ते हैं, इन रूल का रिलेशन किससे है? अच्छा हाँ, रूपेश ने सही आंसर किया, पूजा ने सही आंसर किया है, ये रूल रिलेटेड है बेटा एडॉप्टेशन से। श्ने कुमार वेरी गुड बेटा, ये एडॉप्टेशन से रिलेटेड है। कृष्ण कुमार वेरी गुड बेटा, दीज रूल आर रिलेटेड टू एडॉप्टेशन। जो बच्चे ये बात नहीं जानते ये भी अच्छी तरीके से जान ले, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब पहला सवाल आपके लिए बेटा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सीटू कंजर्वेशन है या इनसीटू, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनसीटू है या एक्सीटू कंजर्वेशन है, जल्दी से आंसर करो मनु। यस दैट इज इनसीटू कंजर्वेशन राज। अब नंबर आप बताइए जल्दी से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जल्दी से इनका नंबर आप बताइएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर कितना है हमारे देश में? यस वेरी गुड, जल्दी से आंसर करेंगे। इनसीटू कंजर्वेशन है पहली चीज, इन सीटू कंजर्वेशन है, और कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश में, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। 14 नहीं बेटा, 80 भी नहीं, 98 भी नहीं, 34 भी नहीं है, क्या बेटा कर रहे हो, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तीन कोई बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है,
कोई 50 बता रहा है। क्या हाल हो गया बेटा, 4 दिन में ये हाल है। 4 दिन पहले मैंने क्रैश कोर्स में आपको बताया है, 90, 14, 7, 36, 35, 50 सब आंसर आ रहे हैं, लेकिन सही आंसर नहीं आ रहा है। ये देखो 49, 5, 90, 500, 5, 6, 12, वाह, 7, दिव्या सिंह 34, अच्छा, अंजलि 34, राज वर्मा, यस राज वर्मा ने सही आंसर दिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर होता है 448। हमारे देश में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 14 बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर है। जो 34 बता रहे हो आप, वो बेटा हॉटस्पॉट का नंबर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नंबर है 448। ये बहुत गलत बात, क्योंकि क्रैश कोर्स में अभी 4 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है, 4 दिन पहले आपको पढ़ाया है, उसके बाद ये हालात है। ये बहुत ही गलत बात है और ये बहुत ही परेशानी वाली बात है मेरे लिए भी, है ना। मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप इस तरीके से आंसर करते हैं। चलिए तो पहला पॉइंट मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, आपको दो चीजें बतानी होंगी, ठीक है। पहली चीज आपको क्या बतानी है, हाँ इंडिया में ही बेटा, इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वर्ल्ड का नहीं बता पाओगे, इंडिया का बता नहीं पा रहे हो तुम लोग, है ना। चलो तो दो चीजें आपको बतानी, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम मैं बोलूंगा आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लोकेशन के बारे में बताना है कि किस स्टेट में है वो, ठीक है, किस स्टेट में, और दूसरा वहां पर किस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक, किस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। अनुज गुप्ता बेटा कमेंट शो हो रहा है बेटा, ठीक है। तो चलिए पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। चलिए बताइएगा जल्दी से, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, जल्दी से आंसर करेंगे पेरियार, और किसके लिए। हाँ रागिनी वेरी गुड बेटा, केरला में है बेटा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा कहाँ पे है, केरला में है, और किसके लिए है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी एलिफेंट की सुरक्षा के लिए पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। क्लियर बच्चों, क्या बातें आपको समझ में आ रही है कि ये चीजें आपको याद करनी, और बहुत ज्यादा पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, 6-7 पॉइंट ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि 448 है तो मैंने 400 आपको याद करा दी, नहीं, मुश्किल से 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, और क्या जो मैं करा रहा हूं इससे कोई बेनिफिट आपको लग रहा है कि कोई बेनिफिट इससे होगा आपको, आपके नीट के एग्जाम में कुछ कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जो एनटीए ने अपना टेस्ट शुरू किया है उसने तो भलाई के लिए शुरू किया था, लेकिन इसकी वजह से बच्चों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो इससे कोई बेनिफिट आपको लगेगा, एक मेंटली प्रेशर तो कम ही होगा कि आप एनसीईआरटी के बाहर से चीजें पढ़ रहे हैं। बेटा देखो मैं ये चीज भी मान सकता हूं कि हो सकता है कि आपका नीट 2020 का पेपर पूरी तरीके से एनसीईआरटी से पूछा जाए, पूरी तरीके से हो सकता है कि एनसीईआरटी से पूछा जाए, एनसीईआरटी के बाहर से एक सवाल भी ना आए, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो 30-40 सवाल बाहर से पूछ ले, तब क्या करोगे। तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है, अगर हम एनसीईआरटी की बाहर की चीजें याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो नुकसान तो नहीं करेगा ना। अगर एनसीईआरटी से बाहर पूछेगा तो हम कर लेंगे, और नहीं पूछेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास जो नॉलेज हो तो खराब नहीं होगी ना, ये नॉलेज ही तो हमारे पास है, ये खराब तो नहीं होने वाली ना। तो हाँ बिल्कुल एनटीए कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि उसने ये तो कहा नहीं कि हम एनसीईआरटी से ही डिट्टो पूछेंगे, उसने आपको एक सिलेबस दिया है कि भाई ये सिलेबस है, और सिलेबस में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो हैं ही, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है और कौन सा प्रोजेक्ट है वहां पर, बांदीपुर जल्दी से बताएंगे बेटा। मेरा अंदाजा जहां तक है कि 90 क्वेश्चन में से करीब मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे और 30 उसके बाहर से रहेंगे। बांदीपुर कहाँ पे है, मैशूर कर्नाटका, यस मैशूर में है, कर्नाटका आप कह सकते हैं, और किस प्रोजेक्ट के लिए है, टाइगर के लिए और एलिफेंट के लिए, जेबा, वेरी गुड बेटा, ये है बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैसूर में है कर्नाटका स्टेट में, और एलिफेंट और टाइगर दोनों के लिए है, दोनों के प्रोटेक्शन के लिए है। चलिए अगला बताइएगा, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, जल्दी से आंसर करिएगा।
नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है? जल्दी से आंसर करेंगे, आंध्रा प्रदेश में है। वेरी गुड मयंक, आंध्रा प्रदेश में। रागिनी, वेरी गुड। दिनेश, यस आंध्रा प्रदेश में है। प्रोजेक्ट कौन सा है बेटा यहाँ पर? प्रोजेक्ट टाइगर गौरव। वेरी गुड बेटा, तो ये है नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्रा प्रदेश में, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। अभी तक जितने भी मैंने आपको बताया सब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए हैं। एक सीक्वेंस आप यहाँ पर, सॉरी, पेरियार एलिफेंट के लिए था, उसके बाद आप देखिए दूसरा जो था यहाँ पर ये टाइगर के लिए, तीसरा भी टाइगर के लिए। ठीक, अगला सुनिएगा। रंगा नथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा नथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइएगा कहां पे और किसके लिए है? बेटा 350 बच्चे यहाँ पे हैं, लाइक 250, ये क्या है मतलब? 100 लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही क्या बच्चों? रंगा नथिट्टू नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी मैसूर में है बेटा, और बर्ड के लिए रागिनी। वेरी गुड बेटा, रंगा नथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मैसूर में है और बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, अगला सुनिएगा बेटा ध्यान से। सात नाम बताऊंगा 448 में से, और इन्हीं में से सवाल आएगा अगर आएगा तो। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, नाम तो सुना होगा चिल्का लेक के बारे में आपने, तो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? अच्छा, बात करें, लाइक करना भूल गए थे आज, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। अब इसमें भी कई लोग जम्मू कश्मीर, कई लोग ओडिशा पहुंच जा रहे हैं बेटा, राजस्थान नहीं बेटा, फिर से आपको करना है मैशूर। अल्पिका, वेरी गुड बेटा, अल्पिका ये सेम है बेटा, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी मैसूर में बर्ड के लिए। तो चिल्का लेक और ये देखिए दोनों साथ में याद करिए, रंगा नथिट्टू मैसूर में बर्ड के लिए, और ये देखिए चिल्का लेक ये भी मैसूर में बर्ड के लिए है। तो चिल्का लेक और रंगा नथिट्टू को एक साथ याद करेंगे। ठीक है, अगला सुनिएगा बहुत आसान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये तो कोई भी बता सकता है कहां पे है भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहां पे है? यस रागिनी का आंसर आ भी गया, राजस्थान में है और किसके लिए है? साइबेरियन क्रेन के लिए। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है और साइबेरियन क्रेन के लिए। साइबेरियन क्रेन कहां से आती हैं? साइबेरियन क्रेन बेटा कहां से आती हैं? भरतपुर केवलादेव, याद है ना? भरतपुर बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क, याद है ना? हाँ, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आती है। गर्मियों में या ठंडियों में कब आती है? माइग्रेशन का केस है बेटा ये, गर्मियों में आती है या ठंडियों के मौसम में, ये आपको बताना है। विंटर सीजन में या समर सीजन में? ये देखिए कई लोग गर्मी में बुला रहे हैं बेटा, विंटर सीजन में आती है, ठंडियों के मौसम में। क्यों ठंडियों में आती है? क्योंकि साइबेरिया में ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए ठंडियों के मौसम में यहां पर आती हैं, और गर्मियां शुरू होने से पहले ही वापस चली जाती है बेटा। ये चीजें तो एनसीईआरटी ने भी लिखी है कि ठंडियों में माइग्रेशन करते हैं, तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए। चलिए आखिरी पॉइंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, डची गैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डची गैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? डची गैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जल्दी से बताइएगा, डची गैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? देखते हैं क्या किया आपने। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, या श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर, और किसके लिए बेटा? ये तो आपने बताया ही नहीं, हांगुल के लिए। यस कश्मीर इस तय किया, हांगुल के लिए। यस डची गेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, हांगुल या कश्मीर स्टैग के लिए। तो बेटा ये 448 में से मैंने आपको कितनी कराई? 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कराई है। पीडीएफ जस्ट अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, जैसे सेशन कंप्लीट होगा तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर एक लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नया ग्रुप बनाया गया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं बेटा यहां पर नेशनल पार्क। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था, है ना, नेशनल पार्क का, जो एनटीए ने अपने टेस्ट में पूछा था। तो चलिए मुझे जल्दी से बताइएगा पहले यहां पर,
कितने नेशनल पार्क हमारे देश में? चलिए बहुत बढ़िया, 90 आपने कर लिया है, ठीक है, 90 नेशनल पार्क है, ठीक। अभी 90 में 90 तो नहीं याद करने, लेकिन बेटा 9-10 तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। 90 तो मैं नहीं याद कराऊंगा, लेकिन हाँ ये सबसे ज्यादा फेमस है बेटा। और फेमस की बात नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो जिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहां पे करा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पुराना नेशनल पार्क हमारे देश का कौन सा है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? हमारे देश का, यस मयंक, वेरी गुड बेटा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारे देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक्चुअल नाम इसका था हैली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, तो ये सबसे पहला था। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है और कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है और कौन सा प्रोजेक्ट है? यस उत्तराखंड में है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब उत्तराखंड अलग है, तो उत्तराखंड में है। और किसके लिए? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। वेरी गुड कनिष्का, यस। तो यहां पर बेटा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में है और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। उस समय तो अगर आप देखें तो पहले ये यूपी में हुआ करता था, लेकिन अब उत्तराखंड अलग स्टेट है, तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा सुनिएगा, राजा जी नेशनल पार्क, रानी जी नहीं, राजा जी नेशनल पार्क कहां पे है और किस प्रोजेक्ट के लिए है? राजा जी नेशनल पार्क कहां पे है और कौन सा प्रोजेक्ट है? पूजा ने सही आंसर किया है, अंजू ने सही आंसर किया है, कार्तिकीय ने सही आंसर किया, गौरव ने सही आंसर किया। सेम, राजा जी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है और ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है। तो राजा जी और जिम कॉर्बेट दोनों एक साथ आप बेटा याद रखिएगा। आप बताइएगा, बहुत फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, इस समय कई सारे बच्चे ऐसे होंगे यहां पर जो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास रहते भी होंगे, है ना? चलिए, हाँ यूपी में है, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में प्रोजेक्ट कौन सा है बेटा? प्रोजेक्ट भी तो बताओ। दुधवा नेशनल पार्क में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर ही चल रहा है। वेरी गुड रिया राज, वेरी गुड बेटा। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में है और ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। चलिए अगला बताइएगा, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है और कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। कान्हा नेशनल पार्क, यस मध्य प्रदेश में है, टाइगर के लिए। रागिनी, वेरी गुड बेटा। आशु, यस कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा, बहुत फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, किसके लिए फेमस है? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यस वेस्ट बंगाल में है, टाइगर के लिए फेमस है। रुचि, वेरी गुड बेटा। तो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है। अगला बताइएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, तो जल्दी से बताइएगा। यस जल्दी से आंसर करेंगे, बांदीपुर नेशनल पार्क किसके लिए है, कहाँ पे है? यस बांदीपुर मैसूर कर्नाटका में है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए। यस दो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए सेम यही आंसर आपने किए थे दोनों, और यही आंसर दोनों करेंगे आप नेशनल पार्क के लिए भी। अगला बताइएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क। ये एनटीए ने जो क्वेश्चन आपको दिया था टेस्ट पेपर वन में, जो कल मैंने आपको कराया था, ये वही सवाल है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, किसके लिए है? रणथंभौर, यस गौरव, वेरी गुड बेटा, राजस्थान में है और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क। फिर बताइए, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, किसके लिए? डेजर्ट, नाम से पता चला रेगिस्तान है बेटा, तो रेगिस्तान हमारे देश में कहाँ है? जल्दी से, डेजर्ट नेशनल पार्क, हाँ डेजर्ट राजस्थान, यस राजस्थान है और
किसके लिए है ये भी बताइए, किसके लिए? टाइगर के लिए नहीं बेटा, टाइगर के लिए नहीं है, ये है ब्लैक बक के लिए। याद आया ब्लैक बक, सलमान खान, याद आया। कई लोग कैमल बता रहे हैं कि राजस्थान है तो कैमल ही होगा। ब्लैक बक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक के प्रोटेक्शन के लिए है। यही ब्लैक बक का केस चल रहा है, याद होगा आपको, है ना। चलिए अगला बताइएगा, केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, जल्दी से, तो बहुत आसान है। केवला देव नेशनल पार्क किसके लिए है और कहाँ पे है? यस, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में है और किसके लिए बेटा? यस अक्षय, वेरी गुड बेटा, साइबेरियन क्रेन के लिए। राजस्थान में केवला देव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के लिए, दैट इज नॉट केवलेडो, दैट इज केवला देव नेशनल पार्क। कई लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं इसको। और भी एक इंपॉर्टेंट है यहां पर, गिर नेशनल पार्क, बहुत पूछा जाता है, गिर नेशनल पार्क कहां पे है? जल्दी से आंसर करेंगे, गिर नेशनल पार्क कहां पे है बेटा, जल्दी से बताइएगा, गिर नेशनल पार्क। यस, गुजरात में है और एशियाटिक लैंड के लिए। ध्यान दीजिएगा, लैंड के लिए केवल एक ही जगह है हमारे देश में, वो है गिर फॉरेस्ट, है ना। तो गिर फॉरेस्ट को ही गिर नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, गुजरात के लिए, गुजरात में है ये और एशियाटिक लैंड के लिए। जितने प्रोजेक्ट आपने ज्यादातर देखे हो टाइगर के लिए थे, लेकिन ये लैंड के प्रोजेक्ट के लिए। और क्या आपको याद है बेटा, मैंने ईयर आपको जब बताया था प्रोजेक्ट लैंड की शुरुआत कब की गई थी, ईयर आपको बताना है। हाँ, जिसे आप कहते हैं बब्बर शेर, जंगल का राजा, यस बिल्कुल सारिका, हाँ 1972 में प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत की, 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आपको बताया था, कैसे याद करेंगे, 1972 में प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत की गई और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, 1973, एक साल के बाद। लाइन में चार लेटर हैं और टाइगर में पांच लेटर हैं, तो एक लेटर ज्यादा है। 1972 में एक ईयर और जोड़ दीजिएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये लेटेस्ट मैंने आपको बताया था। अब बताइए, बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहां पे है, किसके लिए है? यस, जल्दी से बताएंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है बेटा, यस असम में है। और राइनोसेरॉस तो ठीक है, लेकिन बेटा पूरा नाम आपको बताना चाहिए वैसे, राइनोसेरॉस वन हॉर्न राइनोसेरॉस, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए। और क्या बेटा ये बता सकते हो कि वन हॉर्न राइनोसेरॉस का नया घर क्या है? द न्यू होम फॉर वन हॉर्न राइनोसेरॉस, क्या आप बता सकते हैं इस बारे में, द न्यू होम फॉर वन हॉर्न राइनोसेरॉस से, जल्दी से बताइएगा, द न्यू होम फॉर वन हॉर्न राइनोसेरॉस, जल्दी से आंसर करिए बच्चों, जल्दी से आंसर करिए, वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए नया घर। यस, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और आखिरी है बेटा मानस नेशनल पार्क, बताइएगा मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है और किसके लिए है? मानस नेशनल पार्क, जल्दी से आंसर करिए, फिर अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। असम में है, यस असम में है। और एलिफेंट के लिए, यस आशु, यस वेरी गुड बेटा, मानस नेशनल पार्क असम में है और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए है। तो ये बेटा आज का हमारे तीन टॉपिक यहां पर हमने कवर किए। तो हमें टॉपिक करने थे, नेशनल पार्क हमने कर लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर ली, 2011 सेंसस कर लिया, ये रूल हमने पढ़ लिए यहां पर। अब चलिए कुछ और बातें हम करते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज का टॉपिक है ना, बैक्टीरियल डिजीज। तो चलिए, प्लांट डिजीजेस कॉज बाय द बैक्टीरिया, तो कुछ नाम मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, और आपको उनके आंसर करने होंगे, ठीक है। कुछ नाम मैं आपसे पूछूंगा और आपको उनके आंसर करने की, कौन सी डिजीज किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है, ठीक है। ध्यान से आंसर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम कवर करेंगे बेटा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करेंगे यहां पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
पहली डिजीज बेटा सुनिएगा ध्यान से, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है। आपको पैथोजन का नाम बताना, आपको बैक्टीरिया का नाम बताना है कि किस बैक्टीरिया से बीमारी होती है। यस वेरी गुड गौरव शिवानी, यस वेरी गुड बेटा। जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा, जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा बेटा ये डिजीज होती है जिसे सिट्रस कैंकर कहा जाता है। नींबू में बीमारी होती है, ये नींबू के प्लांट की बीमारी। एनसीईआरटी ने इतना लिखा है कि सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जेंथोमोनास सिट्री। आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं, देखिए सिट्री नाम से आप लिंक कर सकते हो सिट्रस को, तो ये याद करना भी आसान है। ऐसा नहीं कि केवल आप रट्टा मारेंगे, आप लिंक कर सकते हैं। चलिए दूसरा सुनिएगा, क्राउन गॉल डिजीज। कल मैंने आपको बोला भी था बेटा ये क्राउन गॉल डिजीज, अगर मेंटी आपने किया होगा तो कल मैंने बोला भी था आपको ये। मेंटी में आज हम 3 यूनिट कवर करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए क्राउन गॉल डिजीज, यस गौरव बेहतरीन, बहुत बढ़िया। प्रतीक रूबेन, यस भावना सिंह, यस। ये बेटा आंसर होगा क्राउन गॉल डिजीज जो है बेटा ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा कॉज की जाती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से क्राउन गॉल डिजीज होती है, ठीक है। क्राउन गॉल डिजीज, ये बेटा डिजीज जो होती है क्राउन गॉल डिजीज, ये होती है डाइकॉट में, है ना। कई सारे बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, डाइकॉट में क्राउन गॉल डिजीज होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। और इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल एक डीएनए होता है, क्या उसका नाम आप बता सकते हैं? किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डीएनए होता है वो कौन है? जल्दी से बेटा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, आपके दोस्त हैं तो दोस्तों की भलाई के बारे में तो आप सोचेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। यस टी आई प्लाज्मिड या टी डीएनए आप कह सकते हैं बेटा। इसके पास टी आई प्लाज्मिड होता है, या आप कह सकते हैं टी आई प्लाज्मिड में टी डीएनए होता है, और ये टीडीएमए ही इस बीमारी का कारण। अगला सुनिएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस नाम की डिजीज। अच्छा मृगांशी कह रहे हैं कि पूरा चैनल ही शेयर कर दिया, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरी दुआएं आपके साथ है बच्चे। चलिए बताइए मैंने क्या पूछा बेटा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। ये देखिए जेंथोमोनास माल्वे सीरम के द्वारा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस नाम की डिजीज होती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट राइट नाम की डिजीज होती है। तो ये हो गया जेंथोमोनास माल्वे सीरम, याद रखेंगे आप। और अब बताइए आप सबसे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, जैसे मस्टर्ड है उसमें ब्लैक रॉट नाम की डिजीज होती है। क्रूसीफर मतलब जो क्रूसीफेरी के मेंबर हों, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। जल्दी से बताइएगा, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बेटा बैक्टीरिया से ही होता है। ब्लैक रॉट, मैं रस्ट नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बैक्टीरिया से होता है, और इसका नाम है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस के द्वारा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर होता है। आप थोड़ा सा याद करिए, सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है? सरसों का साइंटिफिक नेम जानते हैं ना, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस होता है। सरसों का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस होता है, तो उसमें ब्लैक रॉट कौन कॉज करता है? जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस, यानी पैथोजन और होस्ट दोनों का साइन जो स्पीसीज है वो कॉमन है। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस के द्वारा ये डिजीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमने बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बेटा डिस्कस किया जो प्लांट में होती हैं। 4 नाम मैंने आपको बताया बेटा, और ये चारों नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये, दोनों मत भूलिएगा। बाकी दो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन ब्लैक रॉट में आप बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं पूछ रहा हूं ब्लैक रॉट, और आप ब्लैक रस्ट आंसर कर रहे हो कि फंजाई कॉज करता है। बेटा ब्लैक रॉट, ये बात एनसीईआरटी ने जानी कहां पर लिखी है, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में ब्लैक रॉट एनसीईआरटी ने लिखा। ये नहीं कहा कि कौन कॉज करता है, लेकिन ये जरूर लिखा कि ब्लैक रॉट नाम की जो डिजीज होती है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और मैंने यहां पर नाम भी बता दिया कि कौन सा बैक्टीरिया है, जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस के द्वारा ये डिजीज होती है बेटा।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा जो एनटीए ने आपसे पूछे हैं और एनसीईआरटी के बाहर के सवाल है, ठीक है? 1 मिनट बस वेट करेंगे, 1 मिनट से कम ही टाइम लगेगा मुझे, ठीक है? एक पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लेता हूं यहां पर। तब तक आप सेशन को लाइक करें जल्दी से सारे बच्चे। रैंडम क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा आपको, है ना? हो सकता है कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया भी हो ये वाला, है ना? ना दिया हो तो कई सारे बच्चों ने तब कमेंट करके व्हाट्सएप पे भी कहा था कि सर जो क्वेश्चन टेस्ट में एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जा रहे हैं वो जरूर डिस्कस करें, ठीक है? तो वो क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? तो चलिए आप आंसर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। चलिए आपसे ये पूछा गया इनोमिनेट इज ए, अब एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा बेटा इनोमिनेट क्या है, लेकिन अगर आपने बायोनेट की होगी तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो इनोमिनेट होता है ये स्केलेटन का एक पार्ट होता है और इनोमिनेट एक वेन का नाम भी होता है, तो एक वेन का नाम भी इनोमिनेट है और जो स्केलेटन है इसका हिस्सा भी इनोमिनेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने सही कर भी दिया है। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, चलिए इसको करिएगा जरा। क्लोरोफिल इज, जल्दी से आंसर करेंगे क्लोरोफिल इज। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर, कई सारे बच्चे नन भी कह रहे हैं यहां पर बेटा। ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है? ये इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं क्या? कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल आप जानते हैं बेटा? ये क्वेश्चन यहां पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे, है ना? इसीलिए मैं क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। आप बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, मुझे भी ज्यादा याद नहीं बेटा। हाँ इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है? एसीटोन हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। CCl4। यस चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। हीमोसील इज फाउंड इन, हीमोसील कहां पर पाया जाता है? अब जिन बच्चों ने क्लासरूम सेशन किया होगा, है ना, जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद भी होंगे जिन बच्चों ने बायोनेट की होगी, उसमें क्वेश्चन दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी हीमोसील का जिक्र नहीं है। तो बेटा जो हीमोसील होता है उसके लिए आप जान लीजिए कि हीमोसील एनिलिडा में पाया जाता है। नहीं, हीमोसील बेटा एनिलिडा नहीं, आर्थ्रोपोडा में ये पाया जाता है बेटा, आर्थ्रोपोडा में एंड मोलस्का में। ये ऐसे आप याद करेंगे, ठीक है? आप एग्जाम्पल नहीं याद करोगे, आप आर्थ्रोपोडा और मोलस्का याद कर लोगे, इनमें हीमोसिल पाया जाता है। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, कॉकरोच और स्कॉर्पियन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सूट, टिश्यू कल्चर की बात कर रहा है बेटा, तो टिश्यू कल्चर में जो डिफ्रेंसिएशन, इसका बेटा एक तरीका होता है। देखिए सूट की अगर हम बात करते हैं, सूट सूट ऐसे लिखेंगे आप, और सूट और साइटोकाइनिन, ठीक है? साइटोकाइनिन, तो जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन सा से और सूट भी सा से, तो साइटोकाइनिन सूट प्रमोट करता है, और जो ऑक्सिन होता है वो रूट इनिशिएट करता है ना, जो ऑक्सिन होता है वो रूटिंग को इनिशिएट करता है। तो बेटा जो जिन बच्चों के पास बायोनीट है वो सेक्शन डी अब जरूर कर लें, क्योंकि सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, सी ऑप्शन सही होगा बेटा यहां पर।
साइटोकाइनिन ज्यादा होना चाहिए ऑक्सिन की तुलना में। और अगर आपसे यहां पर रूट पूछता कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट इज कंट्रोल्ड बाय, तो आपका आंसर जानते क्या होता, उस केस में आपका आंसर बी हो जाता, क्योंकि रूट को प्रमोट करता है ऑक्सिन और सूट को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। क्लियर बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सीख पा रहे हैं आप? कुछ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये ऐसा नहीं कि रटना है, ये आपको चीजें समझनी भी है। सॉरी बेटा। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। करीब 20 सवाल ऐसे थे टेस्ट नंबर 2 में जो एनसीईआरटी ने बाहर से पूछे, वो सब मैं आपके सामने करा रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। प्लाज्मोडेस्माटा तो एनसीईआरटी में दिया गया है, बिटवीन एडजेसेंट प्लांट्स एंड लाइंड बाय, यहां पर फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, एंड ऑफन हैव डेस्मोटिब्यूल। एनसीईआरटी में डेस्मोटिब्यूल का कोई जिक्र नहीं है, तो यहां पर आंसर आप बताइए 72 का आंसर क्या होगा? इमरान। हाँ बिल्कुल सही बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहे प्लाज्मोडेस्माटा और साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन एडजेसेंट प्लांट्स एंड लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप आंसर करोगे, ठीक? अब देखिए, बहुत सारे बच्चे यहां पर डेस्मोसोम भी आंसर कर रहे हैं, जबकि आंसर क्या करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको आंसर करना। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसको कौन सपोर्ट करता है? यस, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चे सही करें बेटा। प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, जैसे मॉस्किटो की हम बात करें, तो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज का जो इवोल्यूशन है, वो डार्विन के नेचुरल कॉन्सेप्ट फिनोमिना को सपोर्ट करता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन बायोनेट में सेक्शन डी आपने किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए, ये भी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन बेटा इंस्पेक्शन में आपको मिल जाएगा, बायोनेट में आपको मिल जाएगा। वेलियम, ये एम्स में कभी पूछा गया था सवाल कि वेलियम किसका एग्जाम्पल है? बेंजोडाइजिपिन का, बार्बिट्यूरेट का, स्टिमुलेंट का, या हेलुसिनोजन का? बेटा देखिए, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो एनटीए बाहर से सवाल पूछ रहा हूं, सबको याद कर लें। 15-20 सवाल रोज होंगे इस तरह के, मैं आपको करवा दूंगा और ये आप याद कर सकते हैं। तो क्या ये डेली बेसिस पे मैं आपको कराता रहूं? जो भी 15-20-30 सवाल एनटीए बाहर से पूछता है, क्या वो मैं आपको कराता रहूं डेली बेसिस पर? क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, और 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे हीमोसिल मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का में होता है, क्या आप ये चाहते हैं कि डेली बेसिस पे मैं करा दूं? चलिए, हाँ ज्यादातर बच्चे करें, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा है बेंजोडाइजिपिन, वेलियम बेंजोडाइजिपिन का एग्जाम्पल है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन ब्रेन, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड या टंग। सबसे ज्यादा न्यूरॉन कहां पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 था ये, एनटीए टेस्ट नंबर 2 के लिए। राज, वेरी गुड बेटा। अगर आपको नहीं आता तो आप याद कर सकते हैं कि जो ब्रेन रीजन होता है बेटा, ब्रेन में सबसे ज्यादा नंबर में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट नंबर में जो न्यूरॉन होते हैं बेटा, वो ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो डायरेक्टली लिखा नहीं, लेकिन आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये देखिए, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि इरिथ्रोपोइसिस मे बी स्टिमुलेटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब तो बेटा जानते हो ना आप, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी फॉर्मेशन। तो आरबीसी फॉर्मेशन का रेट कब बढ़ता है, ये आपको बताना है। आरबीसी फॉर्मेशन का रेट कब स्टिमुलेट होता है, किसकी कमी होने की वजह से, जल्दी बताइएगा। ज्यादातर बच्चे आयरन कर रहे हैं बेटा, आयरन की कमी होगी तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आयरन कम होगा तो इरिथ्रोपोइसिस कैसे हो पाएगा? आयरन कम होने से इरिथ्रोपोइसिस कैसे होगा? आरबीसी बनाने के लिए तो आयरन चाहिए ना बेटा, तो अगर आयरन की कमी होगी तो इरिथ्रोपोइसिस कम होगी, घटेगी ना। ऑक्सीजन की अगर कमी है तो इरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगी, याद करिए।
जब ऊंचाई पे जाते थे याद करिए 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर, तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होती थी, तो क्या होता था, एरिथ्रोपोइसिस का रेट बढ़ता था। एल्टीट्यूड सिकनेस वाला केस याद करिए, यस ये एल्टीट्यूड सिकनेस वाला केस है बेटा, ऑक्सीजन की कमी अगर होगी तो एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होगी, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यस रोहतांग पास नियर मनाली, लेह की बात करें, मानसरोवर की बात करें, हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पर जाने पे ऑक्सीजन की कमी होती है, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ता है। तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं इसे, ये एनसीईआरटी में नहीं लेकिन ये बायनीट में है, ये वर्कबुक में है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो बच्चे गंगवार इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो वर्कबुक में जाके चेक करेंगे, नेट प्रेशर फॉर द फिल्ट्रेशन है ना, ग्लोमेरुलस से कैप्सूल में फिल्टर होने के लिए नेट प्रेशर आपसे पूछा गया है। तो क्या आप जानते हैं कि नेट प्रेशर कितना होता है? ये एनसीईआरटी ने तो आपको नेट प्रेशर के बारे में नहीं बताया, लेकिन बेटा आप ये कर सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, है ना, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। चलिए क्या किया बेटा आपने आंसर, सोनल या शुभ, 10 mm Hg, दैट इज नेट या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, यस दैट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, EFP। बायोनेट में जाके सेक्शन डी बेटा आप कर लीजिए, क्योंकि वो अगर आप कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन वहां पर लगभग आपको मिल जाएंगे 95% से ज्यादा। Which of the following is not an insectivorous plant? अब ये मैंने मॉर्फोलॉजी में बेटा आपको पढ़ाया है, और अगर आपने क्लास की होंगी तो आपको पता होगा यहां पर ड्रोसेरा हो गया, नेपेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, लेकिन जो मोनोट्रापा है ये इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है, ड्रोसेरा संडी होता है, नेपेंथिस पिचर प्लांट होता है, यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वर्ट होता है। तो एनसीईआरटी से तो आप नहीं कर सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी के बाहर से एग्जाम्पल, कहीं भी मोनोट्रापा का जिक्र नहीं, लेकिन बेटा इंस्पेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया मॉर्फोलॉजी में, और इसके क्वेश्चन भी बायोनेट में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए काउपर ग्लैंड की बेटा हम बात कर रहे हैं यहां पर, काउपर ग्लैंड एनसीईआरटी की बेटा अगर हम बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना, एनसीईआरटी में अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको सेमाइनल वेस्किल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड बताई गई, लेकिन काउपर ग्लैंड नहीं बताई गई बेटा। तो यहां पर जो काउपर ग्लैंड है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई, और काउपर ग्लैंड अगर करें रिमूव कर दिए जाए तो क्या अफेक्ट करेंगे, ये स्पर्म को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी में इनका रोल होता है, तो स्पर्म को अफेक्ट करेंगी अगर काउपर ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं बेटा, लेकिन ये आपको याद होगा इंस्पेक्शन में और बायोनीट में मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है ये आपको बताना है। यस राज वेरी गुड बेटा, दैट इज कप शेप। और क्या आप ये बता सकते हैं कि स्पाइरल कहां पर होता है, स्पाइरल या रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं, रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट, फीते के आकार के क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं, रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं, स्पाइरोगायरा में। और ये स्टिलेट कहां पाए जाते हैं, चारों मैंने बताया बेटा, स्टिलेट कहां पाए जाते हैं, क्या आप जानते हैं स्टिलेट कहां पाए जाते हैं, जल्दी से, यह जिग्निमा सिखाना आंसर किया जिग्निमा में। तो ये सारी बातें बेटा मैंने इंस्पेक्शन में अपनी बुक में आपको जरूर बताई, ठीक है, जिग्निमा में स्टिलेट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर इन प्लांट, इसका जिक्र भी एनसीईआरटी ने किया नहीं है टिश्यू कल्चर में, लेकिन सोमा क्लोनल वेरिएशन बेटा मैंने जरूर आपको पढ़ाया है, और इसके क्वेश्चन भी बायोनीट में आपको दिए गए हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन कब अपीयर होती है प्लांट में, यस जल्दी से आंसर करिए, या सरफराज, रेज्ड इन टिश्यू कल्चर, जब टिश्यू कल्चर में प्लांट को ग्रो कराते हैं तो वहां जो वेरिएशन आती है उन वेरिएशन को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं, या आप कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो वेरिएशन क्रिएट होती है उन्हें सोमा क्लोनल वेरिएशन का नाम दिया जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं,
इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग टू लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? केवल फंजाई, केवल एल्गी, दोनों या कोई भी नहीं? जल्दी से बताएंगे। यस, जल्दी से आंसर करिएगा। ये भी आपको बायोनेट में दिया गया है, केवल फंगल पार्टनर के द्वारा। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फंगल पार्टनर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ए न्यू क्रॉप दैट इज सोर्स ऑफ द हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। ये मैंने नहीं पढ़ा है बेटा, है ना, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर प्रीवियस 25-30 साल के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। ए न्यू क्रॉप दैट इज सोर्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। यस, ये इसका आंसर बताओ हो जाएगा ए आंसर, सिमोनडिशिया चाइनेंसिस। सिमोनडिशिया चाइनेंसिस इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए बताइएगा। Although much carbon dioxide is carried in blood, yet blood does not become acidic due to, blood acidic क्यों नहीं होता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है बेटा सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, पॉलीफ्लुइड एंड सर्कुलेशन। अरिस्फा, वेरी गुड बेटा। क्योंकि CO2 ट्रांसपोर्ट के समय जो ब्लड बफर होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ब्लड बफर बनाता कौन है, क्या आप जानते हैं? ब्लड बफर का फॉर्मेशन कौन करता है? ब्लड बफर का फॉर्मेशन कौन करता है? बफर कौन बनाता है जानते हैं ना? हाँ कार बेटा, एक चीज। अच्छा, एसिड बेस से बफर बनता है? नहीं बेटा, वीक एसिड और उसके साल्ट से। ठीक है, वीक एसिड और उसका साल्ट। तो H2CO3 द वीक एसिड और उसका साल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर जो बफर होता है बेटा, उस बफर में क्या क्या हो जाएगा? उस बफर में हो जाएगा वीक एसिड यानी H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस इसका सॉल्ट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं बफर सिस्टम। और इस बफर की वजह से CO2 के ट्रांसपोर्ट के समय जो pH होता है वो डिक्रीज नहीं होता। वीक एसिड और उसका जो सॉल्ट होता है, नहीं शिवानी बेटा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, वीक एसिड और उसका सॉल्ट ये बनाता है बफर सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? बेटा हैमबर्गर फिनोमिनन तो अलग चीज हो गई, ठीक है, हैमबर्गर फिनोमिनन को मत जोड़िए यहां पर। यहां बफर सिस्टम की बात कर रहे हैं। बफर सिस्टम हमें यह बताता है कि CO2 के ट्रांसपोर्ट के समय पीएच में चेंज नहीं होता है, और हैमबर्गर फिनोमिना CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल। यस, जल्दी से बताइएगा। मोस्ट डाइवर्स, सबसे ज्यादा तरह की डाइवर्सिटी किसमें है? प्रोटीन में बेटा। प्रोटीन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। हेट्रोपॉलीमर है, लाखों तरह की प्रोटीन लिविंग सिस्टम में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल कौन है? प्रोटीन होता है। तो इतने क्वेश्चन थे बेटा, करीब 20 सवाल आज ऐसे थे टेस्ट नंबर 2 में NTA के, जो आपके NCERT से बाहर से पूछे गए थे। तो डेली बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जो NCERT के बाहर से पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोटीन में ही पाई जाती है। हाँ, फिजिकली एंड केमिकली दोनों ही तरह से, संरचनात्मक रूप से और भौतिक रूप से, दोनों ही तरह से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोटीन में पाई जाती है। और ये भी तो आप जानते हैं कि बेटा चारों मैक्रोमोलिक्यूल में, इन चारों में सबसे ज्यादा सेल में कौन प्रेजेंट होता है, क्या आप जानते हैं? सबसे ज्यादा सेल में कौन पाया जाता है? अमाउंट के हिसाब से अगर देखें तो अमाउंट के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटीन ही प्रेजेंट होती। कितने परसेंट होता है अगर हम अपनी सेल की बात करें तो हमारी सेल में प्रोटीन कितने परसेंट है, क्या बता सकते हैं? प्रोटीन कितने परसेंट होता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी। हाँ, भावना ने सही आंसर किया, 10-15% प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होता है? बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपको दिया गया, वही मैं पूछ रहा हूं। 10-15% प्रोटीन होती। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट मानशी, मनीषा, सुप्रिया, यस, 3% होता। न्यूक्लिक एसिड बताइए कितना परसेंट होता है? ये सब टेस्ट आपका साथ में चलता रहेगा। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, जल्दी से आंसर करिए। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? रुचि, यस,
5 से 7% होगा न्यूक्लिक एसिड। जाके टेबल देखिएगा, एनसीईआरटी की टेबल है, मेरे पास एनसीईआरटी पड़ी, मैं आपको दिखा भी दूं, है ना। बायो मॉलिक्यूल में बेटा आपको ये टेबल दी गई है, ठीक है। लिपिड बता दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ लिपिड कितने परसेंट होता है। बेटा लिपिड कितने परसेंट होता है, रूबेन, यस वेरी गुड बेटा, 2% लिपिड होता है। और आयन कितने होते हैं, आयन भी बता ही दीजिए, अब आयन कितने परसेंट होते हैं। अच्छा, कल एक बच्चे ने मुझे सारे परसेंटेज भेजे थे, है ना, तो उस बच्चे का नाम मैं अनाउंस कर दूंगा। उस बच्चे ने सारे एनसीईआरटी के जितने परसेंटेज है सब कलेक्ट करके भेजे हैं। आयन 1% होता है, और वाटर कितना होता है, जल्दी से बताइए वाटर कितने परसेंट होता है, जल्दी से आंसर करिए। ये सब आपको बेटा याद रखना होगा, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। वाटर कितने परसेंट होता है, 70-90%। अब ये टेबल देख लीजिए, ये टेबल आपको एनसीईआरटी ने दी है, और यही डेटा अभी अभी मैंने आपसे पूछा है, यही सारे डेटा मैंने यहाँ पर आपसे पूछे हैं बेटा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इन सब में आप गलती नहीं कर सकते, ये सब डेटा आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। क्लियर बच्चों, तो आज काफी टाइम हो चुका है बेटा, ठीक है। तो अभी मैम की क्लास जो की 1:30 बजे से है, मंडे से क्लास का टाइम थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक। मंडे को शायद ईद आपकी पड़ रही है, कल आपका मैराथन होगा, क्योंकि कल ईद नहीं है, तो मंडे को अगर ईद होगी तो मंडे को आपकी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। तो ट्यूसडे से ये क्लास का टाइम थोड़ा सा हम चेंज भी करेंगे बेटा, और टाइमिंग को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। मंडे को ईद है, क्लियर है, ये कंफर्म है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, हाँ वो तो कराए ही जा रहे हैं बेटा। मंडे को अगर ईद होगी तो फिर ट्यूसडे से हम एक नया प्लान स्टार्ट करेंगे, और ये जो क्लास आपकी है अभी करीब ये 1 घंटे 15 मिनट की, 1 घंटे 20 मिनट की होती है, लेकिन इसका टाइम थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, करीब 1.5 घंटे का या 1 घंटे 45 मिनट का करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, 2 घंटे का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा टाइम शेड्यूल हम फिर से अपना चेंज करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे टाइम शेड्यूल को हम चेंज करेंगे, कुछ नई चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम मिल जाएगा मंडे का। तो मंडे को पूरी प्लानिंग मैं कर लूंगा, मंडे को रात में आपको बता दूंगा कि ट्यूसडे से क्या प्लान हमारा रहेगा, क्लियर बेटा। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, अगर टाइम थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे 1.5 घंटे का या 1 घंटे 45 मिनट का, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फुल फॉर्म वाला बेटा कराऊंगा मैं, लेकिन अभी टाइम चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है आज, तो कल आपका मैराथन क्लास बेटा केमिस्ट्री का होगा, जरूर करिएगा। अब थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेके, आप सोचिए कि 1 हफ्ते के बाद आपका, आज मेंटी होगा बेटा, मेंटी होगा, और लेकिन मेंटी में आज हम आ चुके रिवीजन डे, तो आज हम रिवीजन करेंगे। मेंटी में प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स, इन 3 यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू बेटा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है। टॉपिक बेटा मैंने बता दिया शिवानी आपको, बेटा सब कुछ मैं करा दूंगा। राशि ने कहा टाइप ऑफ ओव्यूल करवा दीजिए, बेटा मैं सब कुछ करा दूंगा, जितना एनसीईआरटी के बाहर से पूछा जाता है एक एक चीज ढूंढ के मैं करवा दूंगा। हाँ, आदर्श ने लार्वा भेजे थे, वो भी मैंने देख लिए हैं, जो भी एनसीईआरटी के बाहर के टॉपिक हैं। आदर्श कह रहे हैं कि हाँ बेटा, बाकी सारी चीजें आज जैसे होनी थी आज की सारी चीजें वैसी होंगी, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को आप शेयर करिए, लाइक सभी लोग करिए, ठीक है, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। जिन बच्चों ने आज पहली क्लास की है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने 5-5 फ्रेंड को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि इससे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और अगर उनको बेनिफिट होगा तो आपको दुआएं देंगे, और दुआएं आपके काम आएंगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं भी आपके लिए दुआएं करता हूं बेटा कि आप सब सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन आपको बस एक काम करना है, आपको रिवीजन करना है, जो भी मैं आपको करा रहा हूं बेटा, जो भी मैं आपको करा रहा हूं वो सारी चीजें आप रिवाइज करते चलिए, बस यही मैं आपसे चाहता हूं। मैं सब कुछ आपको करा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा, थ्योरी करा दूंगा, एनसीईआरटी करा रहा हूं, क्रैश कोर्स एनसीईआरटी के बाहर करा रहा हूं, हर तरह की चीजें जो भी पॉसिबल है वो सारी चीजें मैं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको बस रिविजन करना, पीडीएफ जस्ट अभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी तुरंत, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, 4:30 बजे बेटा हम मिंटी में मिलेंगे फिर से एक बार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट के 3 चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर, इकोलॉजी के 4 चैप्टर, तो करीब 12 चैप्टर का रिवीजन आज हम करेंगे। 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मिंटी में 1 घंटे में, और जो टॉपर रहेगा उस जानते हैं उसको प्राइज भी मिलता है। तो 4:30 बजे फिर से मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू बच्चों।
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा मैं सेंड करवा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ आपको वहां से भी मिल जाएंगे, ठीक है, बाय बाय बेटा।